नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर और भोपाल की दो बड़ी खबरों से, क्योंकि दोनों जगहों पर जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। रायपुर में जहां जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है, तो वहां MP में भी, भोपाल में भी लगातार जो जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे, मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन के बाद उन्होंने भी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। CM भूपेश ने ट्वीट किया है और बताया है कि मानदेय बढ़ाने की जानकारी उन्होंने दी है। तो दूसरी तरफ भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स जो डॉक्टर सरस्वती के सुसाइड केस में हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने भी अब मंत्री विश्वास सारंग के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। तो दो राज्य, दो अलग अलग प्रदर्शन, एक तरफ जहां रायपुर में मानदेय बढ़ाने को लेकर, स्टाइफंड बढ़ाने को लेकर लगातार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे, तो CM भूपेश बघेल ने मानदेय बढ़ाया, उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। तो दूसरी खबर भोपाल से, जहां पर डॉक्टर सरस्वती का सुसाइड केस आपको बहुचर्चित मामला याद होगा, कैंपस में टॉक्सिक माहौल बताकर उन्होंने सुसाइड नोट में जिक्र किया था, सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद डॉक्टर अरुणा कुमार को HOD के पद से हटा भी दिया गया था। और अब आज डॉक्टर विश्वास सारंग ने जो आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, इसके बाद वहां भी यानी भोपाल में भी जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले लिया। तो भोपाल से एक अपडेट, वही अपडेट आपको बता दें, डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस में डॉक्टर अरुणा कुमार को GMC से हटा दिया गया है। डॉक्टर अरुणा कुमार को अटैच किया गया है चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में और मंत्री विश्वास सारंग के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। तो यही अपडेट आपको बता दें, डॉक्टर अरुणा कुमार को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में अटैच किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के आदेश के बाद उन्हें संचालनालय में अटैच किया गया है और सभी गवर्नमेंट कॉलेजों के विभागों के HOD का कार्यकाल बदल दिया गया है। हर 2 साल में अब मेडिकल कॉलेज के HOD बदल दिए जाएंगे। तो जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे, मंत्री ने आश्वासन भी दिया और अब कार्रवाई हो गई है। हमारे सहयोगी हरप्रीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स जिस मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, हड़ताल पर थे, अब मंत्री विश्वास सारंग ने एक्शन भी ले लिया है, हटा भी दिया है, ये भी बता दिया है कि हर 2 साल में HOD बदल दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए भोपाल GMC में डॉक्टर बाला सरस्वती के सुसाइड मामले में आखिरकार जूनियर डॉक्टर्स की 5 दिन बाद की हड़ताल आज खत्म हुई और ये हड़ताल इस आश्वासन पर मंत्री विश्वास सारंग के खत्म हुई थी, जिसमें कहा गया था कि जल्दी उनकी मांग में कोई सकारात्मक पहल विभाग और सरकार की तरफ से की जाएगी। इस मुलाकात के कुछ देर बाद ही एक आदेश यहाँ पर जारी हुआ है और इस आदेश में बिल्कुल साफ कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर अरुणा कुमार को मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से हटाकर DME में अटैच कर दिया गया है, जिसके बाद जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इस बात से उन्होंने राहत महसूस किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें दुख भी है इस बात का कि एक साथी की जान जाने के बाद सरकार चेती, प्रबंधन चेता और डॉक्टर अरुणा कुमार को हटाया गया। फिलहाल अब एक नया नियम भी यहाँ कर दिया गया है, जिसमें अब 2 साल जो HOD का है वो टाइम पीरियड यहाँ पर रखा गया, 2 साल के बाद जो ये बदलाव है ये लगातार किए जाने का आदेश भी यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री की तरफ से जारी किया गया है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये अपडेट आपको बता दें, भोपाल से जो GMC मेडिकल कॉलेज की गायनिक विभाग की अरुणा कुमार थी, उनका अब चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें अटैच कर दिया गया है और एक नया आदेश भी जारी किया गया कि हर 2 साल में विभाग के HOD बदल दिए जाएंगे। तो डॉक्टर सरस्वती का सुसाइड मामला, जिसके बाद GMC प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठे थे और अब ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि लगातार जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार ने हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की मांगे मानते हुए लगातार स्टाइफंड बढ़ाने का फैसला भी किया है। CM भूपेश बघेल ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया और इसके कुछ ही देर बाद जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौट आए। आइए आपको बताते हैं कि अब जूनियर डॉक्टर्स को कितनी छात्रवृत्ति और स्टाइफंड मिलेगी। PG फर्स्ट ईयर के मेडिकल स्टूडेंट को 67,500 रुपये मिलेगा, PG सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को 71,650 रुपये स्टाइफंड दिया जाएगा, तो थर्ड ईयर के मेडिकल स्टूडेंट को अब 74,600 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। तो ये CM भूपेश बघेल का ट्वीट, जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जितनी भी बढ़ोतरी की गई है उसका ब्यौरा उन्होंने ट्वीट के जरिए जूनियर डॉक्टर्स को दिया है और जिसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है, काम पर वापस लौट गए।
तो एक बड़ा अपडेट, जिस तरह से लगातार दोनों राज्यों में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे, स्वास्थ्य सेवाएं भी इस पर प्रभावित हो रही थी, लेकिन इस फैसले के बाद जूनियर डॉक्टर्स अब काम पर वापस लौट गए हैं क्योंकि उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो ये तस्वीरें, ये ट्वीट सीएम भूपेश बघेल का, जिसमें उन्होंने पीजी के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की जो स्टाइफंड बढ़ाया गया है उसका ब्यौरा दिया है, जिसके बाद अब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर लौट आए हैं, माफ कीजिएगा, खत्म कर दिया है और काम पर लौट आए हैं। जबलपुर में आरटीओ के अमले को ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली भारी पड़ गई। आरटीओ का अमला जबलपुर को रायपुर से जोड़ने वाले NH-30 पर बरेला के पास अवैध वसूली कर रहा था। यहां सिर्फ बाहरी राज्यों के ट्रक रोके जा रहे थे और सभी कागजात होने के बावजूद हर ट्रक ड्राइवर से 2,000 रुपयों की मांग की जा रही थी। इस दौरान चेकिंग में शामिल होमगार्ड जवानों ने ट्रक ड्राइवर्स ने उनके वाहनों के दस्तावेज जब्त कर लिए। हद तो तब हो गई जब दोपहर 12 बजे रोके गए ट्रक ड्राइवर्स को वसूली के लिए शाम 5 बजे तक रोक दिया गया। जब ट्रक ड्राइवर ने सभी वैलिड डॉक्यूमेंट होने का हवाला देकर पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरटीओ के अमले ने, जो शामिल होमगार्ड जवानों ने, ड्राइवर से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के बाद ट्रक ड्राइवर ने आपा खो दिया। गुस्साए ड्राइवर्स ने आरटीओ अमले को चारों तरफ से घेर कर हंगामा शुरू किया। हंगामा बढ़ने के बाद आरटीओ अमले में शामिल SI अक्षय पटेल एक निजी गाड़ी से भाग खड़ा हुआ। बाकी जो बचे कर्मचारी थे ट्रक ड्राइवर के बीच, उनके बीच जमकर विवाद हुआ। खबर जब बरेला पुलिस थाने को मिली तो ट्रक ड्राइवर को उनके दस्तावेज वापस दिलवाए गए। गाड़ी के कागज पूरे नहीं थे क्या? पूरे ओके कागज है, बिल्डिंग अंदर रोड माल है सारा कुछ ओके हमारा। उसके बाद ये पैसे मांग रहे हमसे, पैसे नहीं दिए तो ये गाड़ी क्लोज कर रहे हैं ना। मेरे को जहाँ धक्का मुक्की भी करी है और ये ड्राइवर गाड़ी हमारी खड़ी करवा ली हमने, सर मैं कागज लेके गया तो मेरे को मारा ये पीछे। क्या बोल रहे थे? सर गाड़ी क्लोज कर रहे थे, गाड़ी में कागज पूरे नहीं थे आपके? भाई पूरे हैं सर। ओके, तो क्या मांग रहे थे? पैसे मांग रहे थे सर। कितने? हमने यही दायित्व दिया है कि भाई शांति बनाए रखो, अपने अपने दस्तावेज लो और जाओ। और इनको हिदायत ये दिया है कि जब तक RTO साहब नहीं रहेंगे प्रेजेंट तो आप चेकिंग नहीं करेंगे। आपको आदेश, आपको आपको अथराइज नहीं है, सिपाही को अथराइज नहीं है किसी की चेकिंग करने के लिए। RTO साहब रहेंगे तभी चेकिंग होगी। सिंगरौली के बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य के बेटे विवेकानंद पर सिंगरौली पुलिस ने 10,000 रुपए इनाम घोषित किया। विवेकानंद पर युवक पर फायरिंग का आरोप है। ये बहुचर्चित मामला आपको याद होगा कल, जहां पर आदिवासी युवक को गोली लगी, गंभीर रूप से वो घायल हो गया। इसके बाद उसे इलाज में अस्पताल के लिए भर्ती कराया गया और इसी मामले में विधायक रामलल्लू वैश्य ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि उनका बेटा बहुत पहले से अलग रह रहा था, उनके साथ उसका रहना था नहीं और जो भी आरोपी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी कार्रवाई के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो जारी कर जो आरोपी हैं उनके विधायक पिता ने यह स्पष्ट कर दिया है। तो बहुचर्चित मामला सिंगरौली का, जहां पर एक विधायक के बेटे ने आदिवासी युवक पर गोली चला दी थी। विवेक के द्वारा मारपीट की गई या जो भी कार्रवाई की गई है उस पर मैंने पुलिस प्रशासन को कभी न दबाव दिया, आज न तो कभी। जो कानून में आएगा वो अपना काम करें, उसका वो गिरफ्तारी करें, चलान करें, हमें कोई इतराज नहीं है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के सामने दिन दहाड़े मारपीट की घटना सामने आई, जहां तीन युवकों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी और ये पूरी घटना IBC 24 के कैमरे में भी कैद हो गई। मौके पर मौजूद IBC 24 ने पुलिस को सूचना दी। मौदापारा थाना के TI ने बताया कि जीतू साहू और तरुण साहू ने पीड़ित जाकिर अली की पिटाई की है, जहां युवक बीच बचाव करते भी दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के पास से भी चाकू बरामद किया गया है, इसीलिए उसके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये पूरा विवाद ठेला लगाने को लेकर है। आरोपी जीतू साहू और तरुण साहू के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला और इस घटना पर बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में जंगल लॉ लागू है, जंगल का कानून यहां पर लागू है। ये लगातार अजय चंद्राकर ने आरोप लगाए हैं भूपेश सरकार पर।
बच्चा है, वो बच्चा है अपने चाचा को बुलाया सर यहाँ ठेला लगाने आया करके आगे में, और उसका चाचा आए सर मेरे को मारने के लिए, पूरा स्टार्ट कर दिए, कुछ भी एक लफ्ज नहीं सर, उन लोग आए और मेरे को मारना चालू कर दिए। इस पर मारपीट की धाराओं पर अपराध कायम करते हुए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही साकिर की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है, जिस पर रामसेट की कार्रवाई की जा रही है। कोई भी आदमी किसी के साथ मारपीट कर सकता है, रेप कर सकता है, डकैती कर सकता है, चोरी कर सकता है, ये भूपेश सरकार की मान्यता प्राप्त अपराध है। इस पर आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं होती। ये राज्य सोमालिया की तरफ फेलवर स्टेट है। तो भिलाई के नंदनी रोड स्थित शराब दुकान को हटाने के लिए स्थानीय महिलाओं ने 200 दिनों तक आंदोलन किया। वहीं इस आंदोलन के बीच स्थानीय दुकानदारों ने भी कई बार शराब दुकानें हटाने की शिकायत कलेक्टर से की थी, और उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। प्रशासन ने यहां से देशी शराब दुकान को हटा लिया, लेकिन दुकान के हटते ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने आंदोलन में मोर्चा संभाला था, और दुकान हटने पर उन्होंने सुबह यहां आंदोलनकारी महिलाओं को फूल माला पहनाकर बधाई दी और इस जीत को सेलिब्रेट किया। तो वहीं दोपहर तक वार्ड 39 की जो कांग्रेस पार्षद थी नीता गेरा, वो भी विधायक के साथ चुनावी वादों को पूरा कर दिखाने का बड़ा पोस्टर दुकान के ऊपर टांग दिया। इसी बीच भिलाई चैंबर ऑफ कॉमर्स भी बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा का इस मामले में समर्थन कर रही है। तो शराब दुकान हटाई गई, लेकिन श्रेय की सियासत तब दोनों दल कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से पीयूष मिश्रा ये दावा कर रहे हैं, जो पार्षद है वहां के, कि उन्होंने ये कोशिश की थी, तो कांग्रेस के पार्षद भी पीछे नहीं रहे। इसका आंदोलन चालू किया, इन सारी बहनों ने साथ दिया। 200 दिन तक ये लोग अपना घर परिवार अपने बच्चों को छोड़ करके उस आंदोलन में शामिल हुए, और ये जीत है। सरकार के विरुद्ध, सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध, मेन रोड के ऊपर अगर लोग शराब का सेवन करके रोड पे पड़े रहेंगे, और यहाँ पे व्यापारी से वसूली तक का काम चालू हो गया था, जब वो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए वसूली का काम जो कर रहे थे उसके लिए हमारे व्यापारी बड़ा ही पीड़ित थे। आज मैं जो ये काम हुआ है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं पीयूष मिश्रा जी से बोलती हूँ, अपनी वार्ड की राजनीति 38 में करिए, वार्ड 39 में आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां की पार्षद हूं, मैं काफी हूं अपने वार्ड के लिए। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल रेलवे स्टेशन बिलासपुर अब नए स्वरूप में दिखने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। बिलासपुर रेल मंडल के 17 स्टेशन इसमें शामिल हैं। पहले चरण में कल 2 बिलासपुर के और अकलतरा स्टेशन से पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी। योजना के तहत चिन्हांकित स्टेशन में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। इसके लिए रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का ड्राइंग डिजाइन और मास्टर प्लान तैयार किया गया है। अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन में पुनर्विकास के तहत अप्रोच रोड, ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, पैसेंजर फ्लो, फूड कोर्ट, कॉन्कोर्स, वेटिंग रूम, रिटायरमेंट रूम जैसे व्यवस्था किए गए हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने जा रहा है। अमृत भारत मिशन स्टेशन के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई स्टेशन हैं जिनका रिनोवेशन होगा। नए सिरे से यहां पर रेलवे स्टेशन तैयार होंगे। हमारे साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से रेलवे की योजना है मंडल के तमाम जो स्टेशन से डेवलप होंगे, सबसे पहले ये थे कि कितने स्टेशन हैं जो इस चिन्हांकित किए गए हैं जो डेवलप होने हैं, और किस तरह से रूपरेखा जो है पूरी तैयार की गई है? जो हमारे माननीय रेल मंत्री जी का विज़न था कि जो रेलवे स्टेशंस हैं वो शहर को या जिस नगर को दो भागों में बांटे नहीं, बल्कि उसको जोड़ने का काम करें, और उसमें अप्रोच रोड से लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर, पार्किंग से लेकर, पैसेंजर फ्लो से लेकर, और जितनी भी फूड कोर्ट हुआ, जो उनको रोज़मर्रा की चीज़ों की आवश्यकता रहती है, उनके वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम्स, इन सबको लेकर एक वृहद योजना बनाई गई है। और उस योजना के तहत हम लोग अमृत भारत स्टेशंस के नाम पे कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ भी सुविधाएं होंगी, कॉन्कोर्स होगा, यहाँ भी सेकंड फ्लोर पर भी काम होगा, या फिर स्टेशंस में और कहें तो पटरियों का भी विस्तार होगा, प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे, किस तरह से इसकी क्या योजना है? जी, एयरपोर्ट में के हिसाब से अगर डिज़ाइन तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट में काफ़ी कम लोग आते हैं, और लगभग एयरपोर्ट में जितने साल भर में लोग आते हैं, हमारे स्टेशन पे एक दिन में आते हैं।
तो एयरपोर्ट से काफी बृहत उससे डिजाइन करना पड़ेगा, ये एयरपोर्ट से कहीं अच्छा होगा। थैंक यू सर। तो ये थे बिलासपुर के डीआरएम, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन आने वाले दिनों में नए स्वरूप में सामने आएगा, केवल एयरपोर्ट की तर्ज पर नहीं बल्कि उसके वृहद रूप में यहाँ पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। SECR के 9 मुख्य रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने जा रहा है। स्टेशन में पुनर्विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। अमृत भारत स्टेशन के तहत इन स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जहां रेल यात्रियों के लिए तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जिसके तहत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का ड्रॉइंग और डिजाइन मास्टर प्लान तैयार किया गया। उसके तहत पुनर्विकास का पूरा फोकस बेहतर यात्री सुविधाओं पर होगा। इन स्टेशन के फर्स्ट लुक का ड्रॉइंग डिजाइन तैयार किया जा चुका है। ये स्टेशन किसी एयरपोर्ट से भी बड़े होंगे, जहां तमाम यात्री सुविधाएं हैं। इसके बाद स्टेशन सिटी सेंटर के तौर पर नजर आएगा। भव्य भवन, ग्रीनरी, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण के साथ आधुनिक यात्री सुविधाएं यहां उपलब्ध रहेंगी। तो किस तरह से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा, दरअसल दोनों तरफ एंट्री गेट रहेंगे, अप्रोच रोड होगा, लिफ्ट होगा, एस्केलेटर होंगे, पार्किंग की सुविधा होगी, बड़े फुट ओवर ब्रिज होंगे, वेटिंग हॉल होगा, रिटायरिंग रूम होगा, प्लेटफॉर्म तो बड़े हुए ही होंगे, अत्याधुनिक तौर पे सोलर पैनल लगा होगा। तो इस तरह से कई सुविधाएं बिल्डिंग में हेरिटेज महत्व के साथ स्थानीय कला संस्कृति का समावेश होगा। इसके अलावा अतिरिक्त FOB सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया जा रहा है। तो पूरी कोशिश है कि स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए। वेटिंग हॉल और टॉयलेट्स का भी विस्तार है, और स्टेशन लाइट में सुधार किया गया है, साइनेज किया गया है, और एंट्री गेट जो है वो दोनों तरफ होगा। ट्रेन के और कोच इंडिकेटर बोर्ड्स की सुविधा और विस्तार भी लगातार की जा रही है। तो इस योजना के तहत और वृहद विकास के तहत हम लोगों ने लगभग 17 स्टेशन्स लिए हैं बिलासपुर मंडल में। एक वृहद योजना बनाई गई है, और उस योजना के तहत हम लोग अमृत भारत स्टेशन्स के नाम पे कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमृत भारत स्टेशन योजना से भिलाई पावर हाउस स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। रविवार को पीएम मोदी देशभर के 508 स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखने जा रहे हैं, और भिलाई पावर हाउस स्टेशन में भी कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। योजना के तहत भिलाई समेत दुर्ग स्टेशन से में जो एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलने वाली है, स्टेशन में होने वाले इस काम में 20 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सुविधा मिलेगी। तो जिन 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास नरेंद्र मोदी जिसका लोकार्पण कल करने वाले हैं, उसमें से दुर्ग का पावर हाउस स्टेशन है भिलाई का, और उसके अलावा दुर्ग स्टेशन भी इसमें शामिल है, जिसमें लगातार पुनर्विकास का काम किया जाएगा और इसे वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा। ऐसा बना दे कि थोड़ा बुजुर्ग के सुविधा हो जाए, यही चाहिए। हम लोग के तो अब एथी नहीं है ना, शक्ति रहेगा तब ना चलेगा इंसान। तकलीफ तो है, ये पाँव में तकलीफ आने जाने की थोड़ा सा दिक्कत हो जाए तो लग जाए तो अच्छा है ना, वो तो लगा दे तो अच्छा रहेगा, सबके लिए सुविधा हो जाके। वहाँ पे मैडम मेन क्या है कि बैठने के लिए जो सुविधा है वो उतना अच्छा नहीं है, कोई भी कहीं से भी घुस जाता है, मिसिंग पूरा चारों तरफ से है ही नहीं, यही दो तीन यहाँ पे मेन दिक्कत है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। रणनीति के तहत पार्टी को मजबूत करने के साथ जनता से जुड़ाव भी कर रही है। अब पार्टी ने प्रदेश भर में सुझाव पेटियां लगाने का फैसला किया है। अभियान चलाकर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और फिर मैनिफेस्टो को फाइनल रूप दिया जाएगा, लेकिन इस कवायद पर कांग्रेस ने तंज कसा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस मिशन 2023 पर पुरजोर तरीके से जुट गई है। बीजेपी मंडल स्तर पर सुझाव पेटियां लगाने का जल्द अभियान चलाने जा रहे, लोगों के सुझाव के बाद पार्टी मैनिफेस्टो तैयार करेगी, लेकिन सुझाव पेटी पर कांग्रेस ने तंज कसा है। वही कांग्रेस के तंज पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुझाव मांग रहे हैं शिवराज जी, लेकिन आपने तो हमारी ही चुनी हुई सरकार गिरा दी, तो सबसे पहला तो ये सुझाव रहेगा कि आगे ऐसा मत करना। तो हर समय जनता के विचार के हिसाब से अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। कांग्रेस के नेताओं को इससे पेट में दर्द होता है।
जनता का अपार उत्साह है, अटूट विश्वास है इस सरकार के प्रति, नेतृत्व के प्रति है। पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब जनता समझ गई है कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है। कांग्रेस घोषणा करती है, करती कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। सुझाव लेना अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक दलों का कोई भी कदम चुनावी चश्मे से देखा जाता है। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि वो सिर्फ जनता का मन जानना चाहती है। चुनावी साल में मिशन 2023 को फतह करने के लिए आम आदमी पार्टी भी अब एक्टिव मोड में आ चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले दूसरे राजनीतिक दलों की तरह आम आदमी पार्टी ने भी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने भोपाल में परिवर्तन यात्रा के तहत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और रैली निकाली। प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान रानी अग्रवाल ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, इसलिए इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। जनता अब समझ चुकी है कि इस बार हम सबको मिलकर बदलाव करना है, क्योंकि वो जब से देश आजाद हुआ जब से देख रही है, वो जो छोटी सी छोटी समस्याएं होती हैं जो चाहिए उनको, आज उनका हक नहीं मिल पा रहा। मध्य प्रदेश में आप पार्टी का दावा है कि सत्ता में आई तो दिल्ली और पंजाब जैसी सहूलियतें लोगों को मिलेंगी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जनता बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर आप पर भरोसा करेगी। रायपुर के एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल के 17वें बैच का वैलिडिक्टरी फंक्शन आयोजित किया गया। इस वैलिडिक्टरी फंक्शन के लिए रायपुर के अजरा द मल्टी डिजाइनर स्टोर के फाउंडर साहिल मग्गू विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान 31 मेधावी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिया गया। इसके अलावा सभी पार्टिसिपेंट्स को स्पेशल टाइटल से नवाजा गया। ये नजारा किसी फैशन शो का नहीं है, बल्कि रायपुर के एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल के 17वें बैच के वैलिडिक्टरी फंक्शन का है। करीब 2 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग से करीब 31 युवतियों की पर्सनालिटी में निखार तो आया ही, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी बढ़ गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सर्टिफिकेट लेने के बाद स्टूडेंट ने हमें बताया है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत बहुत ज़्यादा दिया है, तो हम लोगों ने अगर एक एक्सपेक्ट किया था तो हमको 100 मिला है। मुझे इतना ओवरऑल पैकेज वाला फिनिशिंग स्कूल ऑल ओवर इंडिया सर्च करने के बाद भी नहीं मिला, सो इट वाज वेरी नाइस। बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, कोई एक चीज़ सीखने नहीं, मतलब हमें टेबल स्टाइलिंग, कलिनरी, मेकअप मीन्स बहुत सारी चीज़ें मतलब सीखने मिली। कलिनरी में इम्प्रूवमेंट हुई है, एटिकेट सीखे हैं, हेयर स्टाइलिंग मेकअप में अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, तो एवरीथिंग इज लाइक रियली नाइस एंड वी लर्नड अ लॉट। वैलिडिक्टरी फंक्शन में स्टूडेंट को स्पेशल टाइटल भी दिया गया। देश के बेस्ट मेंटर्स ने इस स्कूल में युवतियों को ट्रेन किया। कोर्स की शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने काफी कुछ बदलाव इन युवतियों में देखा। आई सी हर एम्पावर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, थिंक दिस इज अ मस्ट प्रोग्राम फॉर ऑल द गर्ल्स आउट। मैंने ये चेंजेस देखे उसमें कि वो कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, पहले करती थी थोड़ा बहुत, पर अब जो इंटरेस्ट लेके कर रही है, बहुत साफ सफाई, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहा। उनमें जो चेंजेस हैं बॉडी लैंग्वेज में, एटिकेट्स में, एंड द ग्रूमिंग सेशन वॉज वेरी गुड। सब्जी बनाना, किस तरह का हर तरह से मिठाई बनाना, हर तरह चीज़ सब चीज़ सीखने को मिली। वैलिडिक्टरी फंक्शन के लिए रायपुर के अजरा द मल्टी डिजाइनर स्टोर के फाउंडर साहिल मग्गू विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल के इस कॉन्सेप्ट की जमकर तारीफ की। आप पर्सनल लाइफ देखें या प्रोफेशनल लाइफ, आई थिंक ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक ऐसा वर्ल्ड क्लास लेवल का स्कूल रायपुर में होना इज अ ह्यूज बेनिफिट, बिकॉज सिंगापुर की तर्ज पर रायपुर में वुमेन्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल ने शुरुआत की है। शुरुआत में काफी मुश्किल टास्क लग रहा था, लेकिन पहले बैच की महिलाओं में जो बदलाव आया वो काबिले तारीफ है। एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल का अगला बैच 7 सितंबर से शुरू होगा। स्टार जैन, IBC24 रायपुर। भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से विषय चुनने की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के मकसद से
मेरी मर्जी ड्राइव की शुरुआत की गई। इस ड्राइव के तहत यूनिवर्सिटी की ओर से भोपाल के अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरी मर्जी ड्राइव के अंतिम दिन मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल दुआ भी शामिल हुए। करीब एक महीने तक सोशल मीडिया समेत पूरे भोपाल में चलने वाले इस ड्राइव के अंतर्गत यूनिवर्सिटी के सभी स्कूल्स की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैनेजमेंट की ओर से मनोरंजक गेम्स भी खिलाए गए जिसका बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने लुत्फ उठाया। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, पढ़ाई के साथ साथ पर्सनल डेवलपमेंट का ग्रूमिंग किया जाता है। तो मैं सभी जो इन्वॉल्व हुए हैं हर स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है हाँ, हमारे गुड़गांव में भी ऐसा माहौल है। हाँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी में भी है स्कोप अपना। बट शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। रायपुर के पाम बेलाजियो रेजिडेंशियल सोसाइटी में स्थानीय महिलाओं ने सावन उत्सव का आयोजन किया। सावन उत्सव में सोसाइटी में रहने वाली हर आयु वर्ग की महिलाओं ने हिस्सा लिया और खूब एंजॉय किया। इस दौरान महिलाओं ने पहले तो अलग अलग गेम्स खेले, फिर म्यूजिक पर जमकर थिरके वो लोग और सावन के झूले का भी आनंद उठाया। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि घर और काम के रूटीन से समय निकालकर हर साल महिलाएं मिलकर ये आयोजन करती हैं, जिसमें सभी महिलाएं खूब एंजॉय करती हैं। हम सभी पाम बेलाजियंस ब्यूटीज मिलकर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं सावन महोत्सव के हिसाब से, और हमारा थीम बेस है येलो कलर पे। हमने इस बार अपना कार्यक्रम रखा हुआ है और हम सभी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। गेट टुगेदर हो जाता है और सब लेडीजें आपस में मिल लेती है और सावन का आनंद लेती हैं, झूला झूलते हैं, टेस्टी पकवान का आनंद लेते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं, रील्स और ये सब करते हैं, इंजॉय करते हैं। और क्या अच्छा लग रहा है, सबसे मिलके अच्छा लग रहा है। इसी बहाने हम लोग मिल लेते हैं और सावन को एंजॉय कर रहे हैं। एक दो गेम खिलाए इन लोगों ने और फोटो खिंचवाई सबके साथ। बोलते हैं वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में खबरें। मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली।